तैयार हो जाइए कई हजारों सालों की एक लंबी यात्रा पर चलने के लिए। प्रस्तुत है मातृभूमि। मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा है। अब मेरी जन्म कुंडली ही देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था उस वक्त मेरे आसपास छेनी हथौड़ी संतराशु पत्थर कटों की छक छक ताल थी और संत कवियों के शहद से सूखी उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि थे। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शारद, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, सबकी भक्ति में एक ही प्रभाव, एक ही ब्रह्म, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश में हो रहे थे। यही तो दिखता है हमारे देश के द्वार जब एक ही दिन एक ही मुहूर्त जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से ये 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार सिद्धांत उसमें। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे पर फिर यही गेहूं कर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास हर विचार के लोगों को अपना समझ कर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर समिहाग्नि आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ रचने लगे वो वेद पुराण ऋग अथर्व यजुर् और साम शोध किए सब जीवन तत्व खोज निकला प्रकृति का सत्व जीवात्मा परमात्मा है एक माया भ्रम से लगे अनेक आत्मा अजर अमर अछेद अनादि अनंत अखंड अभेद।
वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा आत्मा परमात्मा के जिस एक एक की बात हमें सिखाई थी उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। आज सरस्वती भले ही आंखों से उछल हो गई पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। मगर मेरे देश की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले ही किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी निखरी संवरी जो संसार ने कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर थे स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वॉज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी वो आज हमारे भारत का आधार। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भाव यानी प्रकाश और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी मुनि ऋषि ही नहीं सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। दार्शनिक मनीषियों गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों साम्राज्यों ने। दूसरी तरफ से हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोल शास्त्री और वैद्य हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए केवल अपनी गणित बीजगणित ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रों से मिले संस्कार कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले गणादि आदि गुरु थे अणु को पहचानने वाले। फिर क्या आश्चर्य कि नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देश में हम हमेशा आगे रहे। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढ निकाल रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि और आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वही विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। सर्जरी की भी शुरुआत
इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर एक साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ का बेहतरीन पेश कीमती बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, शक दर्शन और चार धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी, मगर जब विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो माँ की लाज बचाने को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के जाबाजों ने। किसकी किसके नाम जैसे जरा याद कीजिए, मेरी दिल्ली की पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम, राजा पृथ्वीराज चौहान, वीरों में था वीर महान, अजय बेर उसे दिल्ली तक फहराता था उसका निशान, आठ बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य नौवे युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं, ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना, बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के मरने से पहले, ये तो इस अंधे को तीर कमान। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चू क्यों चौहान, कर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान, धिक्कार है उन्हें मरा समझो कायर जो जिए पिए अपमान, इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बड़ा महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी है, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है, आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं, हर घर आंगन पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है, आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता से पूछते हैं और नदियों को माँ मानते हैं, और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम ही नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया, पर ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई नहीं मिली थी। सन था 1857।
बहनों सुनो, भाइयों कथा सुनो 57 की, कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत, 57 की गर्मी पाकर खिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला, पंजाब बिहार अवध झारखंड दिल्ली हो या बंगला। वो क्रांति भले ही कुचल दी गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। संवेशी एक खरा संविधान, सब जनगण को अधिकार दिए थी अपने देश की सोच महान। जब भूख लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान, शक्ति ऊर्जा के पूरण अणु तोड़ गए अपने विद्वान। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान, हर सीमा पर हैं डटे खड़े वो बर्फ हार या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले, आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने। भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की जीवी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी, और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी। चार सौ सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत विकसित उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। मैं जन्मू
फिर तेरे जल से प्राण मिले, फिर तेरी हवा में सांसे। हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है।